देखिए यार क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। मैं भी पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। एक नदी है जो 2 मीटर गहरी है और 45 मीटर चौड़ी है। इस फ्लोइंग एट द रेट ऑफ ना वह बह रही है, फ्लो कर रही है कितने 3 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से। एक नदी है जो कि फ्लो कर रही है, रुकी नहीं, फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन इनटू द सी पर मिनट। मतलब अभी आप पूछ रहा है कि नदी में जो पानी बह रहा है वह 1 मिनट में कितना वॉल्यूम उसका हो जाएगा, कितने वॉल्यूम से पानी बह रहा है, कितना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वाटर का वॉल्यूम फाइंड कीजिए दैट द रन जो कि बह रहा है, फ्लो कर रहा है इनटू द सी पर मिनट। 1 मिनट में कितना आयतन का पानी बह जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन है किस चीज का, पहली बात तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग अभी ये कोन और सिलेंडर क्वेश्चन लगा नहीं रहे हैं, तो सिंपल से बात समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किसका है, क्यूब का होगा या फिर क्यूबॉइड का होगा। लेकिन जब सारा लेसन आपस में मिल जाएगा, सारा न्यूमेरिकल्स आपस में मिल जाएगी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्यूब का है, क्यूबॉइड का है, या फिर कोन का है, या फिर सिलेंडर का है। ठीक है, तो उस चीज को समझने में थोड़ा सा क्वेश्चन के कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन के कंसेप्ट के ऊपर क्या कह रहा है कि नदी है 2 मीटर डीप गहरी है और 45 मीटर चौड़ी है, रेट ऑफ द 3 किलोमीटर पर हावर। तो पहले इस चीज को समझते हैं, कह रहा है क्या है 3 किलोमीटर पर हावर का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है 3 किलोमीटर पर हावर, इसका मतलब है कि वह जो नदी है ऐसे बह रही होगी, ऐसे फ्लो कर रही होगी नदी। एक हावर में वह नदी कितना चल रही है, 3 किलोमीटर चल रही है। वो नदी कितना चल रही है, 1 hour में कितना चल रही है, 3 किलोमीटर नदी चल जा रही है। अब बात यह है कि नदी ऐसे चल रही है, आगे बढ़ रही है, ऐसे 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 चल रही होगी, ऐसे बढ़ रही होगी आगे, मतलब कि वो नदी आगे बढ़ रही है। तो उसका क्या है, 1 घंटा में नदी मान लीजिए कि ए से चली और बी के पास पहुंच गई 1 घंटे में, तो यह नदी का क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो 1 घंटा का लेंथ कितना हो गया, 3 किलोमीटर। 1 घंटा का लेंथ कितना हो गया, 3 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोला पर मिनट, तो हमको सिंपल सी बात है मिनट में चलना पड़ेगा। घंटे की बात है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा ये सेकंड वाला होता तो हम सेकंड में चलते, ये घंटा रह दिया होता तो हम घंटे में रहती होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कुछ भी पर मिनट बोला हुआ है तो हमने क्या किया, मिनट में चेंज करेंगे। तो यहाँ 1 hour में कितना नदी चल रहा है, 1 hour नदी चल रही है 3 किलोमीटर, यह कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर 1 hour में। चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा मिनट निकाल लेते हैं, तो 1 hour में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो ये भी मीटर में जाएगा, पर मिनट है तो मीटर में जाएगा, मीटर है मिनट है तो मीटर में जाएगा। सिंपल सी बात है, किलो आवर में नहीं रहेगा ये, ठीक है, किलोमीटर में ये हो जाएगा 3 × 100 1000 मीटर। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना मीटर, अब 1 मिनट में कितना मीटर, 1 मिनट में हो जाएगा 3000/60 मीटर, काट दीजिए 50। तो 1 मिनट में नदी कितना बह रही है, 50 मीटर। ये तो 1 hour के लिए था, ये किसके लिए था, फॉर 1 hour के लिए। लेकिन चूंकि हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया मिनट में, तो मिनट के लिए लिखेंगे फॉर 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए क्या होगा, तो 1 मिनट के लिए लिखेंगे जो नदी बह रही थी अब ए से बी, वह चेंज हो गया किसमें, मीटर में। तो हो जाएगा आपका यहां से कितना, तो यहां हम हावर के लिए, यहां मिनट के लेंगे, अब लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितने में, 1 मिनट नदी कितना फ्लो कर रही है, 50 मीटर फ्लो कर रही है। 1 मिनट में 50 मीटर और 1 hour में 3 किलोमीटर नदी फ्लो कर रही है। तो हमको अब हावर से कोई मतलब नहीं है, हमको अब मतलब है किससे, मिनट से, क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है मिनट में। तो ध्यान दीजिए, पहले बात तो हमने इतना चीज को सॉल्व किया, सिर्फ ये चीज सॉल्व किया है, 1 मिनट में लंबाई मुझे मिल गई 50 मीटर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और समझते हैं। अब क्वेश्चन बोला हुआ है कि नदी का जो डीप है वह 2 मीटर है। तो मान लीजिए डीप मतलब क्या,
अब नदी फ्लो कर रही होगी, नदी फ्लो कर रही होगी तो डीप मतलब क्या, वो अंदर होगा, अंदर मतलब क्या उसकी ऊंचाई, अंदर मतलब क्या ऊंचाई, ऊंचाई जो दिया हुआ है वह दिया हुआ कितना है आपका 2 मीटर। यह एक तरह से क्या, ये क्या है आपका है, यह लेंथ है, जैसा कि बताया हमने नदी आगे बढ़ रही है तो क्या होगा लेंथ, ऊंचाई मतलब क्या, नीचे कहां तक पानी है उसका, किस सतह तक पानी है, तो उसका क्या है आपका यच है, यच हो गया आपका 2 मीटर, ये एल हो गया 50 मीटर। अब क्या हमको एल बी भी चाहिए विड्थ, तो वाइड देख लेते हैं, नदी कुछ चौड़ाई होगी ना, जिस मान लीजिए नहर में नदी बह रही है तो चौड़ाई होगी, इतना बड़ा नहर होगा तो यहां से लेकर यहां तक जो चौड़ाई कुछ से कुछ होगी चौड़ाई ना, गहराई हमने निकाल लिया और लंबाई यहां से हमने निकाला, तो जो चौड़ाई दिया हुआ है ठीक है, बी जो दिया हुआ है वो दिया है आपका कितना 45 मीटर ठीक है ना, ये दिया हुआ है, तो लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया और चौड़ाई हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रन इन टू द पर मिनट, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन यू नो इनटू द सी पर मिनट, पर मिनट ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे भैया, अब बस वॉल्यूम निकालना है, तो चूंकि नदी कैसा मिल गई है हमको, नदी मिल गई है क्यूबॉइड टाइप का, क्यूबॉइड हो गया ना, एलबीएस सिर्फ क्यूबॉइड में ही होता है, क्यूब में सिर्फ एल होता है, एक ही चीज होता है, आपको तीनों मिल गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 × 2 × 45 क्या मीटर में है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, जैसे यहाँ पे क्या किया पर मीटर में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो 45 मीटर की पर मीटर में बोल दिया, पर सेकेंड किया होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेकेंड में क्वेश्चन लगाते हैं और सेकेंड में क्वेश्चन लगाते हैं, पर मिनट के लिए इतना नदी बह रहा है ठीक है। अभी बोल देता कि बताइए तब नदी 2 घंटे में कितना फ्लो करेगी पानी, कितना दूर तक जाएगा, उसके लिए इसमें क्वेश्चन घुमा देगा, जो ये निकला हुआ है ये कितने के लिए पर मिनट के लिए, 1 मिनट नदी का वॉल्यूम इतना है तो 2 घंटे के लिए कितना वॉल्यूम होगा, 2 घंटे के लिए क्या करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है, देखिए क्वेश्चंस चाहे वो भी हो कोई भी हो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो मेरे पिछले वाले क्वेश्चंस में 2 कॉन्सेप्ट आपको मिल चुके हैं, कौन कौन से मान लीजिए कोई भी कहीं कोई भी क्वेश्चंस लिखा हो, कौन हो सिलेंडर हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो स्फीयर का ही हो, यदि पानी फ्लो कर रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यहाँ से 1 घंटे में या तो लेंथ मिल जाए या तो हाइट मिल जाए या तो कुछ मिल जाए, यहाँ तो मिलेगा यहाँ से कुछ ना कुछ, इसका मतलब है लिखने का ठीक है। यहाँ 1 आवर में कितना फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ आपको मिल गया लेंथ मिल गया ठीक है, ये सिलेंडर रहा होता तो आपको ये मिला होता, जो भी होता वहां पर आपको यहां से मिलेगा, पहला कॉन्सेप्ट यहां मिला ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से मिला है, बाकी उस कॉन्सेप्ट पर मिनट लिखा था हावर बोल देगा तो इनटू 60 कर देंगे आपका ठीक है हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आते हैं, आगे क्वेश्चन से दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, ये है आपका 1536 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है, फिर पूछा है इट्स लेंथ इज 16 मीटर, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है 16 मीटर, उसके बाद इट्स ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, बी प्लस एच का रेशियो दिया हुआ है, यह दिया है 3:2, आपसे पूछ रहा है ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बी और एल का मान, बी और एच का मान पूछ रहा है, बी कितना होगा और एच कितना होगा, तो यही मत कर दीजिएगा कि बी इज इक्वल टू 3 और एच इज इक्वल टू 2, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ
भाई साहब हम लोगों को फंसाने के लिए देती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फंसाने के लिए। यार रेशियो का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी रेशियो को मान दिया हो तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, ओरिजिनल वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पर यूलर वैल्यू निकालने के लिए हम मानेंगे जो सॉल्यूशन करेंगे कंपटीशन लेवल पर तुरंत क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझाना है आपको तो उस लेवल पर आपको तुरंत लगाना पड़ेगा, विवरण समझना पड़ेगा, फिर आप उस लेवल तक जाते जाते अच्छा क्वेश्चन लगा लेंगे। तो सॉल्यूशन में मानेंगे लेट बी इक्वल टू 3 इयर्स, ऐसे मानेंगे लेट बी इक्वल टू 3 इयर्स और एच इक्वल टू 2 इयर्स, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू हो गया। एक्स अब 3 इयर्स सेंसर नहीं आ गया, 2 इयर्स सेंसर नहीं आया, उसके लिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। जब तक एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तब तक आप यह नहीं कह सकते कि मेरा बी और एच का आंसर आ गया। उसके लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, नो डाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगा यह होता है एल इंटू बी इंटू एच, मान लो सर तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मान दिया है 1536 स्क्वायर, एल का मान दिया है 16, बी और एच का मान क्या दिया नहीं दिया तो हमने मान रखा है यहां पे 3x इंटू 2x, ये चीज इसकी तरह ट्रांसफर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर लेते हैं। ध्यान दीजिए पहले ही मल्टीप्लाई या डिवीजन ना कर लें, पहली बात तो ये, ऐसे पूरे में बात करते पूरे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया रिलेशन में, आगे चल के इंटर में फिजिक्स क्वेश्चन से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। देखिए बार सारे मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन के साइड कर लेते हैं, जो कटने लायक होता है उसको कटा लेते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई ना करें, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करने की तरफ से डिवाइड करें, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, जो बचेगा उसको देख लेंगे। यहाँ पे यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर आ जाएगा। अब देखिए कुछ कटने लायक है काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए इसको, 2 7 14, 1 बचा, 2 6 12, यहाँ से बचा फिर 1 16, 2 8 16, 2 से कट गया। अब देखिए 2 6 से काटिए, 2 8 16, 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 3 6 1 बचा, 2 8 16, 2 4 8, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। ये काटने आपको आना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हुई। 8 से कर लेते हैं, 8 से हो सकता है कट जाए, कोशिश करते हैं। तो ये काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 16, मीन्स हम इसको लिखेंगे 16 इक्वल टू x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो चूंकि स्क्वायर निकालना है, ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट 16 x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो हम रख सकते हैं 100, इसलिए b इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 4 यानी 12 क्या मीटर। यश निकालना हो तो यश है आपका 2x, 2 इंटू x बोले तो 4 यानी कि 8 मीटर। ऐसे हम यल बी और एच का मान निकाल सकते हैं और आपका क्वेश्चन ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। मे बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ था, हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्यूबॉइड का फार्मूला लिखा, एल बी एच होता है, इसकी मान को हमने रखा, ठीक है, इसका मान था 5536, इसमें मल्टीप्लाई किया, इस मल्टीप्लीकेशन पे डायरेक्ट ट्रांसफर कर लिया, कटाया पिटाया, जो आंसर आया आपका एक्स इक्वल टू 4 आया, एक्स की वैल्यू की हारत करके बी और एच का मान हमने निकाल दिया। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बेसिक तरीके के सब क्वेश्चंस हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी बार बड़े क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए शॉवर, एक शॉवर है, शॉवर मतलब जिसमें पानी गिरता है, नहाते हैं हम लोग बाथरूम में, तो इसी तरह लगा हुआ देखा भी होगा, हम भी देखे हुए हैं। तो इन ए शॉवर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, शॉवर मतलब जो बरसात की तरफ, बहुत मजा आता है नहाने में उसमें, तो 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो पानी गिर रहा है उसमें उसका रेनफॉल कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो रेनफॉल लिखा हुआ है शॉवर का उसको क्वेश्चन थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, लिखा है रेनफॉल
एरफॉल जो दिया हुआ हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन, दैट फॉल ऑन 2 हेक्टेयर, ठीक है, ऑफ ग्राउंड। अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है कुछ अलग तरीके से, ठीक हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर दे दिया, बोला है रेनफॉल दिया है, सावर है 5 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन द 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड, एक फील्ड है, एक पूरा फील्ड है, वो जो उसका जो भी हेक्टेयर दिया हुआ है, जो भी डायमेंशन दिया हुआ है 2 हेक्टेयर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन का है, तब जाके सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। जब रेनफॉल होता है कहीं भी, मान लीजिए क्यूबॉइड होगा, घर होगा, कि जो भी जमीन होगा घर का, जो यहाँ पे होगा पानी, मान लीजिए यहां से गिर रहा है, यहाँ सावर लगा हुआ है, ऐसे पानी गिर रहा है, ठीक, पानी गिर रहा है तो सब पानी बना देते अच्छे से। अब कहाँ गिर रहा है, इस ग्राउंड में गिर रहा है, नीचे ही तो गिर रहा है ना, नीचे गिर रहा है तो नीचे क्या दिया हुआ, नीचे या तो यल होगा, या यल तो होगा ही होगा, और ये क्या होगा आपका बी होगा, यल बी होगा। जब पानी गिरेगा तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर गिरेगा, ऊंचाई तक उठेगा, तो जो रेनफॉल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि जो पानी गिरा है इसमें जो उठा है वो कितना उठा है, वो उठा है आपका 5 सेंटीमीटर तक उठा है, ठीक है ना, वो आपका कहां उठा है 5 सेंटीमीटर तक। और एल बी का मान तो दिया ही नहीं है, तो एल बी का मान भले ही नहीं दिया, लेकिन इंडिविजुअली दिया हुआ है, लिखा हुआ 2 हेक्टेयर, किसका हेक्टेयर भैया, ग्राउंड का हेक्टेयर, ग्राउंड में क्या क्या है, तो ग्राउंड में आपका एल है और बी है, मतलब कि यहां पर एक मान दिया हुआ है, वह मान क्या है, पूरा लिखा हुआ है 2 हेक्टेयर लिखा हुआ है, मतलब नीचे के फ्लोर का एरिया दिया हुआ है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, और एच दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हेक्टेयर को चेंज कर लेते हैं मीटर, ठीक है, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से, मीटर में जब चेंज करेंगे इसको, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या जिसको सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो सबसे मीटर में चेंज करेंगे आसानी पड़ेगी आपको। तो जो रेनफॉल है वो लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, या तो इसको मैं बोल दूं मीटर में, तो 5/100 मीटर हो जाएगा, काम खत्म। हेक्टेयर होता है तो चूंकि हम जानते हैं, वी नो 1 हेक्टेयर में होता है 1000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में होता है 1000 मीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो 2 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेनफॉल इतना हो गया, मतलब रेनफॉल मतलब क्या, ऊंचाई दिया हुआ है ना भैया, ये का दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ये हेक्टेयर, अब हमको समझना है हेक्टेयर मतलब क्या, कहाँ गिरा हुआ है, तो ध्यान दीजिए यह पानी नीचे गिरा हुआ है, तो नीचे मतलब एल इंटू बी का मान दिया, पूरा फैला हुआ है, किसी फैला हुआ है एल इंटू बी का मान दिया हुआ है, तो शायद मैं वॉल्यूम निकाल दूँ इस पूरे ग्राउंड का, वॉल्यूम निकाल दूँ तो मेरा पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल, दैट फॉल ऑन 2 हेक्टेयर, टू हेक्टेयर में जो वॉल्यूम गिर रहा है, जिसका मतलब कि हम निकाल सकते हैं L इंटू बी इंटू एच का मान। अब L इंटू बी का मान दिया हुआ भैया, कुछ नहीं, नीचे का जो हेक्टेयर वही क्या है L इंटू बी का मान है, L इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है, L इंटू बी का मान दिया हुआ है 2000, और H का मान कितना हमने निकाल रखा है 5/100, तो ये कर लीजिए 5 × 10 = 20 है, 100 क्या मीटर क्यूब,
ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है, आपको LBH करके निकाल देना, 100 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोग रिवीजन करेंगे उसको अपने अपने से लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेज देंगे, ओके। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, उस क्वेश्चन आप लगाइएगा और नीचे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। हमने आपको तीन क्वेश्चंस नोट करा दिया है, तीन क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है, यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज डबल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज इतना इतना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ये भी अच्छे से दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो स्पीड वाला यहाँ लिखा हुआ है 10 मीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यहाँ पर आप कन्वर्ट कीजिएगा, फिर लगाइएगा क्वेश्चन को, ये सेकेंड क्वेश्चन से अच्छे खास क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्यूबॉइड और ये सिलेंडर और कोन के साथ, उसके फार्मूले का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे फार्मूले लगते हैं और नए नए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और क्वेश्चंस लगाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिएगा। थैंक यू, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।